नमस्कार, न्यूज बाइस्कोप देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अमित झा। इन दिनों पेपर लीक का मामला जो है वो तूल पकड़ते जा रहा है, चाहे वो नीट की बात करें या फिर पीजीटी लेव जो टीचर हैं वो भी एक बार फिर से आंदोलन के मूड में है। हमारे साथ कुछ अभ्यर्थी हैं, उनसे हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? रश्मि सोरेंग। रश्मि जी, वापस आप लोग राजभवन के सामने खड़े हैं, धरना दे रहे हैं, क्या वजह क्या है आप लोग? सर, वजह ये है कि 2023 में हम लोग पीजीटी के एग्ज़ाम दिए थे और उस पीजीटी एग्ज़ाम में बहुत सारे धांधली हुए हैं। उसी को जो हम लोग एग्ज़ाम दिए थे उसमें हम लोग का पास होते हुए भी हम लोग को फेल किया गया है, तो उस चीज़ को मांग रखते हैं सीबीआई जांच के लिए सरकार से कि हमें हमारी जितना भी मांगे हैं सब पूरी हो। कुछ लोग और हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश। क्या नाम है आपका? जोशिका। जोशिका, क्या वजह क्या हुआ कि आप लोग फिर से एक बार आंदोलन के मूड में? हम लोग इसलिए आंदोलन कर रहे हैं क्योंकि हम लोग जो एग्ज़ाम दिए हैं उसमें पीजीटी प्लस टू टीचर का जो एग्ज़ाम दिए हम लोग उसमें दो ऐसे सेंटर है जिसमें सबसे ज़्यादा स्टूडेंट पास किए हैं और सबसे ज़्यादा जो श्रेय डिजिटल बोकारो जो है उसमें 513 स्टूडेंट क्वालिफाइड है और सारे टॉपर्स जो हैं एक ही सेंटर से हैं और इसमें 11 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम हुआ था उसमें 10 टॉपर ऐसे हैं जो सिर्फ श्रेय डिजिटल बोकारो से हैं। तो क्या डिमांड क्या है आप लोग? हम लोग का डिमांड ये है कि इसमें सरकार ध्यान दे, इस पर जांच हो, कार्रवाई हो कि कैसे इसमें किस तरीके से इसमें सेटिंग हुआ है, किस तरीके से इसमें हम लोग के साथ धोखाधड़ी हुआ है और इसमें सरकार जो है उस पर जाँच बैठाए, एक कमेटी बैठाए और इसका एक सही तरीके से रिजल्ट जारी हो ताकि स्टूडेंट को किसी प्रकार का डाउट ना हो क्योंकि उनके साथ कुछ इस तरह का धोखाधड़ी हुआ है। आपका क्या नाम है? मेरा नीलम लकड़ा नाम है। नीलम जी, आप लोग धरना पे बैठे हैं यहाँ पे, सरकार से डिमांड कर रहे हैं सीबीआई जांच की, क्या लगता है कि सरकार तक आपकी बात पहुँच रही है? जी, हम लोगों ने सीएम के पास भी अपना ये बात रखा और फिर बहुत सारे नेताओं के पास भी जाकर हम लोगों ने अपनी समस्या को सुनाया। हम ये बहुत उम्मीद करते हैं कि हमारी बात को सुना जाएगा। क्या लग रहा है, उम्मीद की सरकार तक आपकी बात पहुँच रही है? सर, प्रयास तो हम लोग कर रहे हैं सरकार तक अपनी बातों को पहुंचाने का। अभी हम लोग धरना में बैठे हुए हैं और इससे पहले राजभवन नहीं मोराबादी में बापू वाटिका के पास बैठे थे, वो सब में अपना बात पहुंचाए थे सरकार को। फिलहाल हम लोग सीएम आवास गए हुए थे और उनके सीएमओ ऑफिस भी गए हुए थे, राजभवन में भी लेटर डाले हुए हैं ताकि सरकार हमारी संज्ञान ले। क्या लगता है कि आप लोग जो धरना पे हैं सरकार तक आपकी बात पहुंच रही है? हाँ, एकदम पहुंच रही है। हमने सीएम से भी मुलाकात की एक बार और उन्होंने आश्वासन दिया है कि यदि इस तरह का मामला है तो आगे का प्रोसेस किया जाएगा और इस पीजीटी एग्ज़ाम में बहुत बड़े स्तर से धांधली और घोटाला हुआ है। इससे पहले भी एग्ज़ाम हुआ था, जो जो सेंटर का नाम लिया जा रहा है, श्रेया डिजिटल, सीवा इन्फोटेक, वो सब में सीजीएल का भी मामला उठा था, प्लस आपका लैब असिस्टेंट का, उसमें भी सीवा इन्फोटेक शक के दायरे में था। और जितने भी पीजीटी के टॉपर हैं यही दो तीन सेंटरों से ही टॉपर बने। क्या 24 सेंटर बनाया गया था पीजीटी का, क्या ये दो तीन सेंटर में ही टॉपर आए हैं, बाकी से जगह नहीं गए हैं? तो इसलिए जांच का विषय और शक के दायरे में सेंटर आते हैं तो हम चाहते हैं सरकार से सीबीआई और ईडी द्वारा जाँच की जाए और ये दोनों सेंटर को बढ़िया से जाँच किया जाए। सीएम के पास आप लोग गए थे, सीएम ऑफिस भी गए थे, राजभवन भी कह रहे कि राजभवन में भी गए थे आप लोग मिले, क्या लगता है कि आप लोगों के बात को संज्ञान ले रहे हैं? सर, आपको बहुत अच्छे से जानकारी देना चाहते हैं हम लोग, आपके माध्यम से सभी लोग को जानकारी देना चाहते हैं, आपके माध्यम से हम सरकार को भी बताना चाहते हैं, आपके माध्यम से केंद्र सरकार को भी बताना चाहते हैं, आपके माध्यम से कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक का बताना चाहते हैं हम लोग को कि हम लोग के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है न। आप सोच नहीं सकते कि आज का पेपर भी आया हुआ है, पहले पेपर से आपका स्टार्ट करते हैं। आज पेपर की स्टार्ट हुआ है, हिंदुस्तान पेपर है सर, ये हिंदुस्तान पेपर काफ़ी नेशनल चैनल है, ये है, उसमें उठाया हुआ है, देख सकते हैं सर कि यहाँ पे कि एक ही सेंटर से 500 पास, सबसे ज़्यादा टॉपर भी। आगे भी देख सकते हैं कि इसमें लिखा हुआ है कि जो है एक ही सेंटर से सारे टॉपर पैदा हुए हैं और उस सेंटर का नाम है श्रेय डिजिटल बोकारो। और एक बात और समझिए सर कि यहाँ पर ऊपर में लिखा हुआ होगा कि सिर्फ 5 सेंटर से 1500 बच्चे पास हो गए, सिर्फ 5 सेंटर से 1500 बच्चे पास हो गए जबकि टोटल 24 सेंटर था। और ये भी समझिए सर कि 1500 से ज़्यादा बच्चे पास हुए हैं, टोटल सीट कितना था, टोटल सीट 3000 सीट था, 3120 टोटल एग्जैक्टली सीट था, जिसमें 1500 से ज़्यादा बच्चे सिर्फ 5 सेंटर से पास होते हैं और एक सेंटर ऐसा है सेंट्रल बोकारो जहाँ से सिर्फ टॉपर पैदा होते हैं।
ये सब सारा चीज़ सर जानकारी है। और भी बताना चाहते थे हम लोग, सर सीएम सर से मिले थे, सीएम सर हम लोग को बोले थे कि हाँ हम लोग कार्रवाई करेंगे, एक दो दिन के अंदर कार्रवाई आपका करेंगे, लेकिन वो कोई कार्रवाई नहीं किए हम लोग का। और जो है हम लोग बीजेपी ऑफिस भी गए थे, सभी विधायक लोगों से मिले और इनका जानकारी दिए, तो और कांग्रेस भवन भी गए थे हम लोग, वहाँ भी सब लोग को जानकारी दी, उन लोगों ने बोला कि हम लोग इस पर संज्ञान ले रहे हैं। अभी तक संज्ञान तो हुआ नहीं है, लेकिन हम लोग के साथ क्या हुआ है कि हम लोग 7-8 सालों से पढ़ रहे थे, 7-8 सालों से पढ़ने का नतीजा क्या हुआ, नतीजा ये हुआ सर कि एक सेंटर, पूरा सेंटर के बारे में बताया, एक सेंटर ऐसा निकलता है जो कि समझ लीजिए कि ये रिजल्ट देखिए, ये है कॉमर्स का रिजल्ट, यहाँ पर देख सकते हैं कॉमर्स का रिजल्ट जो हाईलाइटेड किया हुआ है वो एक सेंटर का रिजल्ट है, अनरिजर्व का आधा सीट एक ही सेंटर से पास है, ऐसे कैसे हो गया। सभी रिजल्ट, ये देखिए फिजिक्स का रिजल्ट है, आगे दिखाते हैं आपको, ये देखिए ये ज्योग्राफी का रिजल्ट है, 1/3 अनरिजर्व का रिजल्ट एक ही जगह से, और भी दिखाते हैं आपको, ये फिजिक्स का रिजल्ट 1/3 एक ही जगह से रिजल्ट है ना, तो इस तरह से अनरिजर्व का जो सीट है, तो इस तरह से क्या होता है। अब बायो जो है एक सब्जेक्ट है जिसमें दो सेंटर मिलकर पूरा अनरिजर्व सीट ही वहीं से पास हुआ है, दूसरा जगह से पास ही नहीं हुआ है, जिसमें सेराइटल बोकारो और शिवा इन्फोटेक मिला के सब सीट अनरिजर्व का बायो का वहीं से हुआ है। तो इस तरह से क्या होता है कि आप पढ़िए, आपको कुछ नहीं होने वाला है। और यहाँ तक क्या और बताना चाहते हैं सर कि 1500 सीट तो ऐसे हुआ कि सेंटर लोगों ने क्या किया कि पैसे लेकर के उसका एग्जाम दे दिया, सेंटर वालों ने चोरी करवाया सेंटर के पास। मतलब ये भी आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि जो सेंटर एग्जाम दे रही थी उसके पास उस क्वेश्चन पेपर का आंसर कहाँ से आया था, जब सेंटर 20-20 लाख रुपया से जब सेट कर रही थी उसके पास आंसर कहाँ से आया था। इसका मतलब आंसर जो एग्जाम ले रही थी एजेंसी वही आंसर प्रोवाइड की होगी, तब ना आंसर दिलवा दिया उसका। तो आंसर दिलवाने से क्या हुआ कि सब ये जो 1500 बच्चे हैं जो तो सेंटर से सेट हुए। और एक बात बताते हैं सर कि हमको और भी इन्फॉर्मेशन मिला है, वो ये मिला है कि जो 3100 बच्चे जो पास किए हैं पीजीटी का, उसमें करीब 1000 बच्चे ऐसे हैं जो क्वालिफाइंग मार्क्स होता है 50% 75 क्वेश्चन, वो भी क्वालिफाई नहीं किए, 5 नंबर 10 नंबर उनका कोई नंबर ही नहीं आया हुआ है, फिर भी वो क्या हुआ उनका डीवी देकर ज्वाइनिंग करवा दिया गया है। और उनका प्रोसेस क्या है सर, जेएसएससी सर आपको बताते हैं पूरा दुनिया में सबसे करप्ट संस्थान होगा, पूरा करप्ट है। आपको प्रूफ देते हैं आपको कैसे, अब रिजल्ट कैसा आता है वहाँ का आप समझिएगा। आपका एग्जाम लिया, लेने के बाद क्या करता है वो सिर्फ रिजल्ट का रोल नंबर लिखता है, रोल नंबर देखिए लिख दिया और जाइए डीबी करवाइए, डीबी करवा करके फिर ज्वाइनिंग करवा देगा, डायरेक्ट ज्वाइनिंग कर दे। इस कैंडिडेट का मार्क्स कहाँ है, इस कैंडिडेट को कितना मार्क्स आया बताएगा ही नहीं, फिर लास्ट में क्या करेगा कट ऑफ मार्क्स बताएगा, नहीं हम एक इस सब्जेक्ट में कितना मार्क्स आया 100 नंबर वाला के लिए हैं। अरे भाई 100 नंबर का ठीक है लिए, लेकिन इस कैंडिडेट का मार्क्स आया था कि नहीं ये तो बताओ, है ना। लोग मांग क्या कर रहे हैं, हम लोग मांग कर रहे हैं सर कि सीबीआई और ईडी का जाँच बैठाया जाए, हम लोग स्टेट गवर्नमेंट का मार्क्स जो एजेंसी है जो जाँच करेगी उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं। जैसे देखिए सीजीएल का दिया ना सीजीएल में क्या हुआ उसका, कुछ नहीं, कहाँ कौन सीजीएल में पकड़ाया, कोई नहीं पकड़ाया, कोई आता पता नहीं है, घर में बैठा हुआ कोई खत्म हो गया। अब सीजीएल का जो रिपोर्ट कार्ड मांगने गए, मीडिया लोग ही मांगने गए, तो सीएम तक को पता नहीं है, बताइए आगे की क्या रणनीति है सर। आगे का रणनीति यह है सर कि हम लोग का जो अभी एग्जाम भी चल रहा है, हम लोग के बाद संख्या अभी कम है, हम लोग के जैसे एग्जाम खत्म होगा 6-8 का हम लोग बड़ी संख्या में सर आंदोलन करेंगे ना, कैंडल मार्च निकालेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, ये तब तक करेंगे सर जब तक कि इस पर सीबीआई और ईडी का जांच नहीं बढ़ जाता। और इसका जांच का पूरा होना चाहिए, कोर्ट के माध्यम से पूरा होना चाहिए, और जो घोटाला करके जॉब लिए हैं ना वो सीधा सीधा झारखंड के कानून के मुताबिक, जो कानून झारखंड का बना हुआ है, हेमंत सर कानून बना है, बहुत अच्छा कानून बना है कि जो चोरी करेगा वो 10 साल का जेल होगा, 10 करोड़ का उसका जुर्माना होगा, वो जब तक होगा उसके बाद ही हम लोग का आंदोलन खत्म होगा, ये हम लोग का पूरा प्लान है। और एक माध्यम से और बताना चाहते हैं सर कि सरकार को बताना चाहते हैं कि सरकार किसको नियुक्ति देना चाहती है, ये जो सेटरबाज को सेटिंग वाले को नियुक्ति देना चाहती है सरकार, उस जो नियुक्ति दे करके क्या पैदा करना चाहती है, स्कूल से अपराधी पैदा करना चाहती है, भ्रष्टाचार पैदा करना चाहती है, इन लोग जाके पढ़ा के क्या कहेगा, ये नहीं कहेगा अरे पढ़ो लिखो मत लास्ट में जो भ्रष्टाचार कर लेना, क्रिमिनल पैदा करना चाहती है, सरकारी स्कूल से क्रिमिनल पैदा करना चाहती है, इसलिए सरकार भर्ती की है। अगर सरकार अन्याय नहीं चाहती है तो इसके ऊपर अन्याय बैठा दे, इन लोग एकदम भ्रष्टाचार में गया हुआ है। आज हिंदुस्तान के पेपर भी देख सकते हैं, उन्होंने पूरा एनालिसिस करके पेपर छापा हुआ है, हम लोग सरकार का प्रूफ भी देते हैं, हम मुख्यमंत्री सर के पास भी ये प्रूफ दिए हुए हैं, वो चेक कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि ऐसा कभी नहीं हो सकता। आप लोगों क्या मतलब क्या आश्वासन क्या आश्वासन सर दिए थे कि हम एक दिन के अंदर आप लोगों को रात तक शाम तक आप लोगों को अपडेट करते हैं, क्योंकि हम सर को बोले थे
कि सर आप दो सेंटर पर सिर्फ जांच करवा दीजिए, आपको रियलिटी पता चल जाएगा। ये हम नहीं कह रहे हैं कि सरकार इसमें दोषी है। सरकार दोषी क्यों होगी, जब जो है सेंटर चोरी करवा रहा है, सरकार थोड़ी वहां गई थी सेंटर पर चोरी करवाने। कोई सेंटर चोरी करवाएगा तो सरकार का काम है ना उसके ऊपर एक्शन लेना, तो सरकार एक्शन ले ले उसके ऊपर। जनता उसको अच्छा कहेगी कि हाँ भाई कोई चोरी करवाओगे तो सरकार एक्शन लेगी, कानून सख्त बना हुआ है। यस सर। तो ये तमाम जो पीजीटी अभ्यर्थी हैं, इनका कहना है कि जो भी दो डिजिटल सेंटर है उनका जो उसकी जांच हो, और तमाम जो पीजीटी अभ्यर्थी है उनको कहीं ना कहीं न्याय मिले। जब देखना दिलचस्प होगा कि सीएम और उनके जो सहयोगी हैं उनको इस पे कब वो संज्ञान लेते हैं। फिलहाल मुझे और हमारे सहयोगी राजबल को दीजिए इजाजत और देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। धन्यवाद। कमाल करते हो जी, बच्चे घूमने की इतनी जिद कर रहे हैं और तुम हो कि तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिल रही। अब इतनी गर्मी में जाए तो जाए कहाँ। इस गर्मी में मस्ती और फन का आ गया है परफेक्ट डेस्टिनेशन वाइल्ड वादी, जहाँ है वाटर पार्क, बर्ड पार्क, फ्लावर पार्क, ट्रैम्पलिन पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, 250 फीट लंबा जिप लाइन और क्रिकेट स्टिमुलेशन का खूबसूरत नजारा। वाइल्ड वादी 10 माइल चौक रांची। वाइल्ड वादी यानी अनलिमिटेड फन और अनलिमिटेड मस्ती।